चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर हाजी नवाज अली बरोही ने कहा है कि हम वो काम करेंगे जिसकी तवक्कोआत अवाम हमसे करती हैं। नरम सीटों पर बैठना या ठंडे कमरों में रहना हमारी आदत में शामिल नहीं। अवाम के मसाइल कम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस फरीजे को ध्यान ईमानदारी से अंजाम देंगे। मैं ये नहीं कहता कि हम जो काम कर रहे हैं वो सबसे अलग है, मगर इतना जरूर है कि ऐसा काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। रमजान मुबारक में अपने वसाइल की हदूद में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाह रहे हैं ताकि अवाम को ईद पर बेहतरीन रिलीफ मैसर आ सके। इंशाल्लाह आगे चलकर भी अवाम को और भी ज्यादा सहूलियात फराहम करेंगे। इस वक्त एक अहम मसला ये दरपेश आया है कि खूनी पतंग की डोर जो पहले सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल होती थी अब कराची में भी इस्तेमाल हो रही है। ऐसी डोरी बनाने वाले, बेचने वाले, इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम अपनी हदूद में करेंगे। पूरे मुल्क में इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रोड कार्पेटिंग के कामों का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन आरिफ राणा, रुकन काउंसिल अली अकबर काचेलो, यूसी चेयरमैन यूनुस मेंगल और दीगर भी मौजूद थे।